यह अपना खूबसूरत सा शहर कर्णप्रयाग, कल तक दूर दूर तक पहाड़ियाँ एकदम साफ दिख रही थी और बड़ा अच्छा मौसम हुआ करता था, किसी ने आग लगा दी। और आज हालत ये है कि सामने आपको कर्णप्रयाग भी दिख नहीं रहा होगा, मैं कर्णप्रयाग में ही खड़ा हूँ और सामने देखिए आप, संगम तक नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है पहाड़ में आग लगाने की, मतलब एक गांव वाले आग लगा रहे हैं तो दूसरे गांव वालों को लग रहा है कि हमारे गांव में आग नहीं लगाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हर दूसरा आग लगाने पे तुला हुआ है। पहाड़ों में आग लगना कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई हादसा नहीं है, ये जानबूझ के लगा रहे हैं। और बहुत से लोगों से बात करने पर ऐसा कुछ पता चल रहा है कि आग लगाने से घास अच्छी आती है, कुछ ऐसा मिला था। कल मैं आपको सिमली और पाडली के बीच में आग लगी हुई मैंने आपको दिखाई थी, तो कल तक तो मौसम साफ था लेकिन आज आप देख लो कर्णप्रयाग सामने ही नहीं दिख रहा है, आग हर तरफ लगी हुई है। मैं अभी नोटी रोड पे हूँ और थोड़ा ऊपर जाके आपको और दिखाऊंगा कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। कर्णप्रयाग से करीब 7 किलोमीटर ऊपर हूँ मैं, ईड़ा बधाणी नाम का एक गांव है। और यहाँ से देखो कर्णप्रयाग साफ दिखता है लेकिन अभी कैसी हालत है, आजू बाजू मेरे चारों तरफ देख लो, धुंध से क्या हालत हो गई है, हर जगह है आग लगा के चले गए हैं। और इसमें अशिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। कुछ ग्रामीणों से बात करने पर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, ग्रामीणों का कहना है कि आग लगाने से घास अच्छी आती है, तो जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, वरना तो ये कोई हादसा तो है नहीं कि मतलब आग लग गई होगी। ये लगाई गई हैं जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड में आग लगी हैं, लगाई हुई हैं ये हर जगह, हर गाँव में देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगा के जा रहा है जंगलों में। कर्णप्रयाग का कितनी बुरी स्थिति है, कर्णप्रयाग की 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली हुई है, कितना साफ सुथरा कर्णप्रयाग दिख रहा है और आज देखो क्या स्थिति है कर्णप्रयाग की। ये ईड़ा बधाणी यहाँ पे मंदिर सामने, मैं नोटी रोड पे हूँ और नोटी रोड से कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे, ज़रा गौचर की तरफ देख के आता हूँ वहाँ क्या हाल है। हर जगह लगी हुई है आग, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि उत्तराखंड में आग लगी हुई है, समाचार में भी आपने देखा होगा। तो कर्णप्रयाग के इतने बुरे हाल होने के पीछे उसके पीछे की वजह है ये है, यहाँ पर ये देखो कर्णप्रयाग में नदी पार जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, इस साइड देख सकते हो आप, वहाँ से आग लगी हुई है और ये पूरा जंगल यहाँ से जलते हुए पूरा जंगल क्या घरों के सामने तक आग आ गई है। वो सामने गांव देख रहे हो, अंदर वहाँ आग लग गई है, इसीलिए कर्णप्रयाग का ऐसा हाल है। मुझे लगता है कि जो बद्रीनाथ रोड है वहाँ भी आग लगी हुई होगी, क्योंकि एक जगह की आग से इतना ज़्यादा धुआं नहीं हो सकता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग, वो देखो ऊपर वहाँ जंगल में इस पूरे इलाके से आग आई हुई है और कर्णप्रयाग तक पहुँची हुई है, इसलिए कर्णप्रयाग का इतना बुरा हाल है यहाँ। ये कर्णप्रयाग महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय, ये पुल पोखरी के लिए है और दूसरी तरफ नदी पार करके वो बद्रीनाथ के लिए रास्ता निकल गया है पुल पार करके। सामने है यहाँ पर कर्ण मंदिर, जरा आगे देख के आते हैं कर्णप्रयाग से आगे क्या गौचर की तरफ भी मुझे पूरा विश्वास है वहाँ भी आग लगाई हुई होगी। कर्णप्रयाग से गौचर की तरफ आ गया हूँ मैं और गौचर की तरफ ये देखिए दूसरा तरफ का मैं जंगल दिखाता हूँ तुमको। कर्णप्रयाग से गौचर की तरफ आने पर ये जगह है, देखो ऊपर जंगल देख रहे हो, पूरे जंगल जल रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तराखंड में,
आग यहाँ तक आ गई है, बिल्कुल आईटीबीपी के नज़दीक तक। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, गाड़ी रोक कर दिखाता हूँ आपको। ऊपर देख रहे हो आप कितनी भीषण आग लगी पड़ी है। कर्णप्रयाग शहर के जो कर्णप्रयाग मकानों के नज़दीक तक आग पहुंच चुकी थी, और वही हाल गौचर का भी है। मैं आईटीबीपी के ठीक ऊपर से खड़ा हूं यहां पे, और आईटीबीपी के सामने यहां तक आग पहुंच चुकी है। सामने पहाड़ी में कितनी भीषण आग लगी पड़ी है, और यही हाल इसके दूसरी तरफ का है, नदी के दूसरी तरफ आईटीबीपी में, वहाँ भी आग लगी हुई है। हर जगह है उत्तराखंड में, हर जगह आग लगा दी गई है। लगी नहीं है, लगा दी गई है, क्योंकि एक जगह लगती ना, अलग अलग इतनी जगह एक साथ थोड़ी ना आग लग जाती है। कुछ मूर्खों की वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ता है, और जंगली जीव पक्षियाँ छोटे मोटे कितने मारे गए होंगे, सांप वगैरह।